हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10 की। जी हाँ दोस्तों, इतने दिनों से मैं क्लास 12 से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट कर रहा था और क्लास 10 वालों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप क्लास 10 से रिलेटेड वीडियोस कब पोस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर से रिलेटेड है, लेटर राइटिंग से रिलेटेड है। दोस्तों मैं यहाँ पे एकदम करेक्ट फॉर्मेट ICSE रिकमेंडेड फॉर्मेट शेयर करने वाला हूँ जो लेटर राइटिंग की होनी चाहिए ना। इससे ज़रा सा भी आपको डेविएट नहीं करना है। ये जो लेटर राइटिंग फॉर्मेट मैं शेयर कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, आप इसी पे इसी तरह से लिखेंगे तो आपको आसानी से पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप क्लास 12 से हैं या 11 से हैं तो इन वीडियोस को अपने जूनियर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप क्लास 10 में ऑलरेडी हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये लेटर राइटिंग जो क्लास 10 में आती है ये 10 नंबर की आती है। इसमें आपको दो में से कोई एक, यानी या तो फॉर्मल लेटर आपको लिखना होता है या इनफॉर्मल लेटर सिलेक्शन करना होता है। दो लेटर दिए रहते हैं आपको, उसमें से जो सेलेक्ट करना आप सेलेक्ट कर सकते हैं ना। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आप फॉर्मेट सेलेक्ट करें, करेक्ट फॉर्मेट लिखने पर आपको 4 से 5 नंबर होते हैं। सिर्फ करेक्ट फॉर्मेट लिखने पर, बॉडी कुछ भी अगर मान लीजिए आपने पूरा गलत ही लिखा है अंदर का लेटर बॉडी में, फिर भी आपको 4 से 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे अगर आपने फॉर्मेट से लिखा है। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, मैं कुछ कॉमन गलतियां भी बताऊंगा जो लोग यहां पे अक्सर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इनफॉर्मल लेटर की। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो इनफॉर्मल लेटर का होता है। तो दोस्तों इसके फॉर्मेट जो दो फॉर्मेट मैं शेयर कर रहा हूँ, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। दोस्तों बात की जाए फॉर्मेट 1 की, तो इसमें करना क्या है दोस्तों कि आपको पहले यहाँ पर लेटर जब शुरू करें तो आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है। दोस्तों मैं दोस्तों लेफ्ट में यहाँ पर एक सैम्पल दिखा दे रहा हूँ। ये जो पार्ट बोल रहा हूँ मैं, ये एड्रेस वाली पार्ट की बात कर रहा हूँ। ये एड्रेस आपको लिखना है तो ये दो लाइन की एड्रेस हो सकती है। उसके बाद दोस्तों आप ये एक लाइन छोड़ेंगे। ये एक लाइन छोड़ने के बाद आप यहाँ पर अब डेट लिखेंगे। दोस्तों डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लिखी गई है। उसके बाद दोस्तों फिर से एक लाइन आप छोड़ेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन आपको ये वर्ड नहीं लिखना है, बट सैल्यूटेशन में आप क्या लिखना है। सैल्यूटेशन में दोस्तों इनफॉर्मल लेटर में आप लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, या डियर मम्मी, या डियर फादर, या डियर अंकल। माय डियर अंकल आप माय वर्ड भी लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है दोस्तों। तो ये सैल्यूटेशन। उसके बाद दोस्तों फिर से आप एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बॉडी आप लिखेंगे लेटर की जो क्वेश्चन में पूछी गई ना। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आप क्वेश्चन जब पढ़ें तो ध्यान रखें क्या चीज़ आपसे पूछा गया है। आपको यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इमेजिन दैट यू आर इन अ बोर्डिंग स्कूल एंड हैव परफॉर्म पुअरली इन योर टर्मिनल एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पे याद रखना, आपको पहले एक दो लाइन लिखना है कि आपने पुअरली परफॉर्म किया है। उसके बाद दोस्तों आपको एक्सप्लेन करना है अपनी मदर को, रीज़न एक्सप्लेन करना है क्यों पुअर परफॉर्म किया है। और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि कैसे आप बेटर कर सकते हैं दोस्तों। तो इन सब पॉइंट्स को आपको कवर करना होगा, ऐसा नहीं है इसमें से कोई पॉइंट्स आप स्किप करें। दोस्तों ये बॉडी जो है वो आप 3 से 4 पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं, एक एक लाइन छोड़ करके आप 3 से 4 पैराग्राफ में लिख सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा बड़ी पैराग्राफ नहीं होगी, पहला पैराग्राफ आप बड़ा लिख सकते हैं, बाकी पैराग्राफ जो है कंटिन्यूइंग पैराग्राफ जो है वो छोटे से छोटे लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको सब्सक्रिप्शन, एक लाइन मतलब बॉडी ख़त्म हुई, एक लाइन छोड़ा आपने और सब्सक्रिप्शन लिखना है। दोस्तों सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन दोस्तों सब्सक्रिप्शन होता है जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, योर्स लविंगली या योर्स अफेक्शनेटली, योर लविंग सन, ये लिखना है। दोस्तों यहाँ पे योर्स फेथफुली नहीं लिखेगा क्योंकि ये इनफॉर्मल है, उसमें आपकी नंबर चली जाएगी। तो इनमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं, तीनों नहीं लिखना, कोई भी एक लिख सकते हैं दोस्तों। नॉर्मली जितने भी इनफॉर्मल लेटर्स आते हैं सब में आप योर्स लविंगली लिखेंगे तो चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक लाइन छोड़ करके फिर यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। दोस्तों सिर्फ फर्स्ट नाम लिखेंगे यहाँ पे, पूरा नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इनफॉर्मल है दोस्तों। आप सिर्फ पहला नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे संजीव लिखा हुआ है, वैसे आप सिर्फ अपना पहला नाम लिखेंगे, पूरा नाम नहीं लिखेंगे। दोस्तों बात की जाए फॉर्मेट 2 की, ये भी एक्सेप्टेड फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट 2 और फॉर्मेट 1 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कुछ पोजिशनिंग का डिफरेंस है। तो दोस्तों इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि राइट साइड में अपना एड्रेस लिख सकते हैं। इससे पहले फॉर्मेट में हमने लेफ्ट साइड में लिखा था, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, मतलब एड्रेस अगर आप दो लाइन के लिखे तो एक लाइन छोड़ करके उसके बाद आप यहाँ पे डेट लिखेंगे। डेट भी लेफ्ट साइड में लिखेंगे दोस्तों। डेट लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और
सैल्यूटेशन आपको यहाँ से स्टार्ट करना है दोस्तों, सैल्यूटेशन आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, वो राइट साइड में नहीं होगी। सैल्यूटेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ये सैल्यूटेशन है। उसके बाद दोस्तों आप एक लाइन छोड़ करके बॉडी लिखेंगे 3 से 4 पैराग्राफ में। बॉडी लिखने के बाद दोस्तों आप एक लाइन छोड़ेंगे, लाइन छोड़ने के बाद दोस्तों आपको जो सब्सक्रिप्शन लिखना है यानी योर्स लविंगली या योर्स अफेक्शनेटली जो भी है वो राइट साइड में लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप एकदम राइट अलाइन में अपना नाम लिखेंगे और वो फर्स्ट नेम लिखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये दोनों ही एक्सेप्टेड फॉर्मेट्स, आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। नौ दोस्तों याद रखिए कि जब आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो ये सैल्यूटेशन वाली जो पार्ट है, ये सैल्यूटेशन वाले पार्ट में आप रिस्पेक्टेड नहीं लिखेंगे, रिस्पेक्टेड मदर या रिस्पेक्टेड अंकल बिल्कुल भी नहीं लिखने वाले दोस्तों। आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। और ये जो नाम आप लिख रहे हैं दोस्तों, ये जो नाम आप लिख रहे हैं यहाँ पर, आप ऐसा नहीं लिखेंगे एक्स वाई जेड या ए बी सी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे दोस्तों, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। और एक चीज़ दोस्तों कि जब, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है, आपको यहाँ पर कुछ ऐसा थैंकिंग यू ये ऐसा कुछ नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है दोस्तों, थैंकिंग यू नहीं होगा इनफॉर्मल लेटर में। दोस्तों बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स की। फॉर्मल लेटर में दोस्तों यहाँ पर भी मैं दो फॉर्मेट शेयर कर रहा हूँ, दोनों में से कोई भी आप एक यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट वन में आप देखें दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको फ्रॉम एड्रेस लिखना है, यानी यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, सिंपल सी बात है, आपको अपना एड्रेस लिखना है, वो 2 से 3 लाइन की हो सकती है। उसके बाद दोस्तों एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है दोस्तों, उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ना है, और उसके बाद टू एड्रेस यहाँ पे लिखना है। टू एड्रेस यानी आप जिसको एड्रेस कर रहे हैं, अगर आप प्रिंसिपल को एड्रेस कर रहे हैं तो प्रिंसिपल का एड्रेस, अगर आप पुलिस कमिश्नर को एड्रेस कर रहे हैं पुलिस कमिश्नर का एड्रेस। टू वर्ड का इस्तेमाल ना करेंगे यहाँ पर, आप सीधा द प्रिंसिपल या द पुलिस कमिश्नर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एड्रेस आप लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों एक लाइन छोड़ेंगे आप, और फिर से आप यहाँ पे डियर सर से स्टार्ट करेंगे। अगेन दोस्तों यहाँ पे भी आपको रिस्पेक्टेड वर्ड का यूज़ नहीं करना है, रिस्पेक्टेड वर्ड यूज़ नहीं करेंगे आप। उसके बाद दोस्तों आप एक लाइन फिर से छोड़ेंगे और बॉडी लिखेंगे। यहाँ पे भी आप दोस्तों बॉडी जो है वो 4 से 5 पैराग्राफ में, स्मॉल पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ्स नहीं होगा दोस्तों। वो लिख लेने के बाद दोस्तों आप एक लाइन छोड़ेंगे और आप थैंकिंग यू लिखेंगे ना, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, आप थैंकिंग यू लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके आप दोस्तों, आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखना है ना दोस्तों। सब्सक्रिप्शन में क्या लिखना है, सब्सक्रिप्शन में आपको लिखना है जैसे योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली ना दोस्तों। यहाँ पर आपको योर्स लविंगली या योर्स अफेक्शनेटली नहीं लिखना है, योर्स फेथफुली योर्स ट्रूली में से कोई भी एक याद कर लीजिए, दोनों में से आप कोई भी एक लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बिना लाइन छोड़े आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है ना, फर्स्ट नेम के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे सरनेम भी अपना लिखना होगा, यानी आपको पूरा नाम एक्चुअली में लिखना है दोस्तों, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर, आपको पूरा नाम लिखना होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं संतोष हल्दर। दोस्तों यहाँ पर अगर प्रिंसिपल को लेटर लिखने की आती है तो आप याद रखिए प्रिंसिपल की स्पेलिंग जो है आप वो करेक्ट लिखेंगे, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, तो ये आप लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। दोस्तों बात की जाए फॉर्मेट टू की, तो फॉर्मेट टू जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है फॉर्मेट वन से, बस यहाँ पे पोजीशनिंग की डिफरेंस है। तो आप जो फ्रॉम एड्रेस लिख रहे थे दोस्तों वो राइट साइड में आ जाएगी। फ्रॉम एड्रेस आप लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आप डेट लिखेंगे, वो भी राइट साइड में रहेगी। उसके बाद दोस्तों एक लाइन छोड़ने के बाद टू एड्रेस जो है, यानी जो आप पुलिस कमिश्नर या प्रिंसिपल का लिख रहे हैं उसका एड्रेस जो है वो लेफ्ट साइड में ही होगी दोस्तों। वो लिख लेने के बाद दोस्तों एक लाइन छोड़ने के बाद आपको सैल्यूटेशन लिखना है यहाँ पर अपना, यानी वही डियर सर या डियर मैडम जो भी है। उसके बाद दोस्तों आपको एक लाइन छोड़ करके बॉडी लिखना है वही 4 से 5 पैराग्राफ्स में। लिखने के बाद दोस्तों आपको एक लाइन छोड़ना है, थैंकिंग यू लिखना है। उसके बाद दोस्तों एक लाइन छोड़ने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लिखना है ना, सब्सक्रिप्शन जो है आपको राइट साइड में ही लिखना है, जैसे योर्स ट्रूली है योर्स फेथफुली। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम प्लस सरनेम लिख देंगे, यानी पूरा नाम लिख देंगे, वो भी राइट साइड में। दोस्तों यहाँ पे याद रखें कि सब्सक्रिप्शन के बाद आपको कोई लाइन नहीं छोड़ना है, नाम लिख देना है सीधा। नॉर्मल में आप सब्सक्रिप्शन के बाद एक लाइन छोड़ करके अपना नाम लिख रहे थे।
तो दोस्तों ये थी कुछ एक्सेप्टेड फॉर्मेट ICSE इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स की, बहुत इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स की फॉर्मेट मैंने शेयर की और कुछ डूज एंड डोंट्स आपको बताया हूँ। इस चीज़ का खास ध्यान रखें और अच्छे से जा करके प्रैक्टिस करें इस फॉर्मेट को। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा। हमारे सारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह में, और उन्हें सब्सक्राइब करने को ज़रूर कहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।